सवाल है। लंबे समय से पुलिस भी लगातार आशीष के पीछे गिरफ्तारी को लेकर भागदौड़ कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन से आवास पर आशीष को रखा गया है। क्या वो भारत में है या नेपाल सीमा में है? कई बार मोबाइल की लोकेशन वो नेपाल की भी सामने निकल कर आई है। ऐसे में बार बार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का कहना है कि उनका बेटा साफ तौर पर निर्दोष है। ऐसे में आज जब दोबारा नोटिस चस्पाया गया है, आशीष को पेश होना था, तो उनके लीगल एडवाइजर अवधेश कुमार सिंह का फिलहाल बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 बजे का समय दिया गया है, 11 बजे आशीष पुलिस के सामने पेश होंगे। पूरे जो तहकीकात चल रही है, पूरा जो मामला चल रहा है, उसमें पुलिस का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। और लगातार जिस तरह की फजीहत हुई है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को भी देखें तो धरने पर बैठे हुए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। तमाम विपक्षियों के द्वारा, साथ ही साथ जनता के द्वारा भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ लखीमपुर से संवाददाता आमिर लगातार बने हुए हैं। जी आमिर, जानकारी यहाँ पर आपसे चाहेंगे। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी को लेकर लगातार लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि 2 दिन का समय इसमें डिले भी हो चुका है। जिस तरह से नोटिस 2 बार पुलिस को चस्पाना पड़ा उनके घर पर, अब जाकर कहीं ना कहीं लीगल एडवाइजर का ये बयान सामने आया है कि आज 11 बजे वो पेश होंगे, जो समय उन्हें दिया गया है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में तमाम जो पेच है उसे ढूंढकर कहीं ना कहीं अपने बचाव के तरीके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, यही वजह है कि पुलिस के सामने जाने का जो समय उसे डिले किया गया और जानबूझकर डिले किया गया? देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आरोप है और मुख्य आरोपी है, धाराएं भी 302-120 जैसी धाराएं हैं जिसमें तुरंत गिरफ्तारी किया जाना चाहिए। ऐसे में एसआईटी सेल ने जिस तरीके से इनको तलब किया था, अपने साक्ष्य देने की बात कही थी, तो जाहिर सी बात है बगैर साक्षियों के साथ, बगैर तमाम मजबूती के, बगैर ये वहां जाना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए इन्होंने 1 दिन का पूरी तरीके से डिले किया है। और उसके अलावा जब हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी यहाँ पर नहीं थे, ऐसे में जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ पर आ जाएं, उनकी मौजूदगी में वहां पर बयान देने के लिए जाए, इसीलिए डिले किया गया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अब लीगल एडवाइजर का बयान सामने आया है कि 11 बजे आशीष मिश्र सीबीआई के सामने पेश होंगे, उनके सामने जो सवाल जवाब है उनके जवाब के लिए हाजिर होंगे, इस बात को लेकर क्या कुछ सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी मिल रही है? क्या ये खबर एकदम पुख्ता है कि 11 बजे आशीष पुलिस के सामने पेश होंगे? जिस तरीके से सुबह से कयास लगाया जा रहा था कि वो अपने एसआईटी सेल के सामने ना जाके न्यायालय में समर्पण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लीगल एडवाइजर उनके आशीष उन्होंने बयान दिया अवधेश कुमार सिंह ने, कि वहां पर ना जाके सीधे एसआईटी सेल के सामने जाकर अपने बयान देंगे, ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो एसआईटी सेल के सामने जाकर अपने बयान देंगे। चूंकि लगातार इसी बात को अजय कहते चले आ रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। हम आपको बता दें कि अब साक्ष्यों की भी जांच करना एसआईटी सेल की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि वो वीडियो लाकर देंगे जो वीडियो वो दंगल में थे। क्योंकि हम आपको बता दें कि दंगल स्थल से और घटना स्थल की दूरी मात्र कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं है, ऐसे में वो जो विजुअल है वो कटे हुए अगर विजुअल होंगे तो शायद इतने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर जो घटनाक्रम, जो दंगल चल रहा था, लगातार चल रहा था, ऐसे में ये बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहे हैं, किसान आरोप लगा रहे हैं कि घटना स्थल पर वो अपने दंगल स्थल से निकल कर आए थे, ऐसे में अब देखना यह है कि जो वो साक्ष्य पेश करेंगे, जो वीडियो ही ऐसे साक्ष्य है जिनको अजय मिश्र टेनी पेश करेंगे, ऐसे में देखना है कि जो वीडियो वो पेश करेंगे बगैर कटा पिटा होगा, बगैर छेड़छाड़ का किया होगा, अगर उस छेड़छाड़ होती है, अगर वो कुछ देर का ब्रेक किया हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है वो साक्ष्य इतने मजबूत नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से वीडियो, अजय मिश्र टेनी का कहना है बार बार कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, साथ ही साथ जो वीडियो हम सब ने देखे, जो वीडियो लगातार वायरल भी हुए हैं जिसमें किसानों को रौनते हुए जीप नजर आ रही है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं एसआईटी के सामने भी दोहरी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती है कि तमाम वीडियो की जो सच्चाई है उसे पूरी तरह से परखा जाए और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। आज जब 11 बजे पेश होंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। क्या लगता है आपको कि आज जब 11 बजे पेश होंगे तो उसके साथ ही साथ हिरासत में उनको लिया जाएगा या सवाल जवाब करके एक बार फिर से उनको जाने दिया जाएगा? देखिए, शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जब उनको वहां पर हाजिर होंगे, अगर वो अपने साक्ष्य मौजूद नहीं दे पाएंगे, तो
तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी इसी तरीके से की गई है जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि धाराएं ऐसी हैं, इन धाराओं के तहत अपने साक्ष्यों को पेश करना ये कानूनी प्रक्रिया है। अपराध इस अपराध के तहत सबसे पहले अगर अपराधी जो आरोपी है वो पुलिस के पास आता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा हुआ है, काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, ऐसे में एसआईटी क्या कदम उठाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखना यह भी अहम होगा कि जब ये आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने आएंगे तो क्या साक्ष्य है वहां पर देंगे, क्योंकि साक्ष्य एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि अगर खुली हुई किताब की तरह ये अपना साक्ष्य देंगे जिसमें पुलिस गिरफ्तारी ना कर सकती। तो यहाँ पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं आशीष की जेल जाने को लेकर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं।